ओके आई होप सो द रिकॉर्डिंग हैज़ ऑन बीन ऑन. वेट मेरे को चेक करने दो. यस ओके सो हाय वेलकम एवरीबॉडी टू द सेकेंड वीडियो. स्ट्रैटेजी वीडियो बोल सकते हो. स्ट्रैटेजी वीडियो मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये प्रॉब्लम ना मेरी अकेले की नहीं है, हर किसी की है. एवरीबॉडी इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम जो मेरे पास दिख रहा है तुम लोगों को. सो ये प्रॉब्लम ना हर कोई फेस कर रहा है. किधर दिख रहा है? इस साइड दिख रहा होगा. सॉरी आई डोंट नो बिकॉज मैं सेपरेटली रिकॉर्डिंग कर रही हूँ. राइट नाउ मेरा लैपटॉप अचानक से ख़राब हो गया है. आई डोंट नो हाउ पर हो गया है ख़राब. तो इसीलिए मुझे लैपटॉप को सर्विस सेंटर पे देना पड़ा एंड माई एडिटिंग वर्क्स वर ऑल स्टॉप्ड बाय टेक्नोलॉजी का लेक्चर. एटलीस्ट और 2 दिन लगेंगे. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट कि थोड़ा लेट आ रहा है, पर जो बायो टेक्नोलॉजी आने वाला है आई विल रियली सजेस्ट यू प्लीज़ देखना. बहुत बहुत मतलब दिल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ. मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि आई नो हाउ मच आई हैव वर्कड फॉर दिस वन लेक्चर. और ये थोड़ा लंबा भी हो सकता है. अगर ये लंबा हो जाता है तो इसको भी स्प्लिट करेंगे. पर आई वॉन्ट टू कम्प्लीट द प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन इन वन वीडियो. सो आई विल ट्राई टू डू दैट. ठीक है. अब जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वेरी गुड. तुम्हारा रिविजन तो श्योरली होगा. पर जो लोग मुझे नहीं फॉलो करते, जो मेरे चैनल पर नए आए हैं एंड दोज हु आर सीइंग माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, उन लोगों से मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि वेलकम टू माई चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकेंडली इफ़ यू हैव केम हेयर फॉर एनी सोर्सेज ऑफ कम्प्लीटिंग योर बैकलॉग, यू आर एग्जैक्टली एट अ वेरी 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 करेक्ट चैनल. ओके सो लेट्स स्टार्ट. तो हो अभी हम लोग पहला जो भी चीज़ करने वाले हैं वो है कि हम लोग बैकलॉग के बारे में बात करने वाले हैं. जिन लोगों को नहीं पता कि बैकलॉग एक्चुअली होता क्या है, देखो हम लोग जब अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं तब कभी कभी क्या होता है कि हमारा बैकलॉग बच जाता है. यप. सो समटाइम हैपन्स दैट आवर बैकलॉग्स गेट कलेक्टेड और हमें समझ नहीं आता कि हम लोग बैकलॉग को कैसे कंप्लीट करें. तो इसके लिए हम लोगों के पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है. वेरी नाइस आइडिया, वेरी प्रैक्टिकल आइडिया. पहले प्रैक्टिकल आइडिया के बारे में बात करते हैं. ये सब के बारे में मैं बाद में आ रही हूँ. आई एम कमिंग आफ्टरवर्ड्स इन टू दिस थिंग्स. यस ओके स्लाइड दिख रहा है आई होप सो. सो हेयर आई वॉन्ट टू टॉक दैट बैकलॉग्स के बारे में बात हो रहा है. तो बैकलॉग्स में जो पहला चीज़ हम लोग को मेंटेन करना चाहिए वो तो है एक रूटीन. और वो रूटीन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने आज के दिन में ही 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया फिज़िक्स का, कल बोटनी का 5 कर लूँगी, उसके बाद में जूलॉजी का 5 कर लूँगी. देखो इससे तुम्हारे दिमाग में प्रेशर पड़ेगा. रूटीन शुड बी लाइट. जो भी रूटीन बन रहा है वो बहुत ही लाइट रूटीन बनना चाहिए. सॉरी रूटीन हमेशा लाइट बनना चाहिए. ओके वट एवर द रूटीन इज, रूटीन शुड बी ऑलमोस्ट लाइट. लाइट रूटीन बनाओ तब जाके तुम काम कर सकते हो. ठीक है. एंड सेकेंडली सेकेंड जो चीज़ हमें मेंटेन करनी है वो है डिसिप्लिन. मतलब आज अगर मैंने एम किया है कि इस चैप्टर को मैं रिवाइज करूँगी तो मैं रिवाइज करूँगी. ठीक है मैं रिवाइज करूँगी. अब देखो हमारे पास तो जनरली 6 मंथ्स है. अभी हमारे पास एग्जैक्टली अभी 6 मंथ्स है. ठीक है. अब इन 6 मंथ्स के लिए हमारा 11 का बैकलॉग बचता है या तो 12 का बैकलॉग बचता है. इस चीज़ में मैं एक चीज़ तुम लोगों को बोलना चाहूँगी कि अगर तुम लोगों को बैकलॉग कंप्लीट करना है तो हर लेक्चर को क्या करना है, लेक्चर को तुम 1.5x में देखो. ठीक है. लेक्चर को 1.5x में देखो. जो नोट्स तुम बना रहे हो, जो नोट्स अभी तुम्हारे पास बन रहे हैं, रिवाइज दोज. और अगर रिवाइज करने का टाइम नहीं है, कलेक्ट फ्रॉम टेलीग्राम. आई नो ऑलमोस्ट बहुत सारे टीचर्स के टेलीग्राम तो ऐसे ही है ना. आई नो यू नो बहुत सारी सर्टिफाइड टीचर्स जिनके पास तुम पढ़ाई करते हो उनका टेलीग्राम ऐसे ही है. ठीक है. दे आर ऑलरेडी हैविंग देयर टेलीग्राम. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो टू देयर टेलीग्राम एंड कलेक्ट द PDF फ्रॉम देयर एंड देन यू हैव टू रिवाइज. अगर तुम्हारा चैप्टर पहले से करा हुआ है, इफ़ यू आर रेडी विद द चैप्टर, मतलब तुमने पहले रेडी करके रख दिया था चैप्टर को, अभी बस तुम्हें रिविजन की ज़रूरत है, तो तुम नोट्स रिवाइज करो. पर अगर तुम रेडी नहीं हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम रेडी नहीं हो सही से, तो उसके लिए तुम क्या करो, लेक्चर्स देखो
एंड आई विल प्रेफर यू लॉन्ग लेक्चर्स, एटलीस्ट वो वाले लेक्चर्स देखना जो 7 to 8 hours के हो, ठीक है? 7 to 8 hours, 9 hours, 10 hours भी एक्सटेंड करते हैं. मुझे पता है कि ये बोलना जितना ईजी है करना उतना ईजी नहीं है, बट यू नो अगर आज हम लोगों ने कर लिया तो कल का प्रेशर हमारे ऊपर पड़ेगा तो नहीं ना. एंड दैट्स वॉट आई वॉन्ट टू मोटिवेट यू कि आज कर लेते, चलो कल का टेंशन कम हो जाएगा बहुत, है ना? तो वही हम मैं बोल रही हूँ कि चलो आज कर लेते हैं, ठीक है? आज कर लेंगे तो कल का टेंशन कम हो जाएगा. ओके, सो डिसिप्लिन मेंटेन करना है क्या? वन डे वन चैप्टर वाला कॉन्सेप्ट अपने अंदर लाओ और एटलीस्ट ट्राई करो बायो में एक, केमिस्ट्री में एक और फिजिक्स में एक एवरी डे कम्प्लीट करने का. एटलीस्ट एक एक चैप्टर तो होना ही चाहिए कम्प्लीट. है ना? वन चैप्टर शुड बी कम्प्लीटेड. ओके, अब मैंने मेरी स्ट्रैटेजी बता दी कि तुम्हें कैसे करना है. अब मैं बता रही हूँ वो स्ट्रैटेजी जिसके लिए तुम यहाँ पे आए हो, ठीक है? यस, एज यू हैव प्रेडिक्टेड, वेरी करेक्ट. मैं अभी फिजिक्स वाला के बारे में बात करना चाहती हूँ क्योंकि शायद ये पहला एक चैनल है जहाँ पे मैंने इतना बढ़िया एक चीज़ देखा. दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ मैराथन. ये मैराथन है क्लास 11 के लिए, ठीक है? दिस इज़ अ क्लास 11th मैराथन. ये मैराथन है, इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, यहाँ पे बहुत सारे लॉन्ग लेक्चर्स में प्रोवाइड किए जा रहे हैं. ये AITS 2 का था, AITS 2 का सिलेबस के ऊपर इसका एग्ज़ाम हुआ था 29 अक्टूबर को. मैंने कहा था, मैंने तुम लोगों को टेलीग्राम पे लिंक भी दिया था, पर जो लोग जुड़े हुए हैं उनको ऐसे लिंक मिला, जो जुड़े नहीं हुए हैं उनको तो नहीं मिलेगा ना. मैं डिस्क्रिप्शन में जाऊँ वहाँ पे मेरा टेलीग्राम मिलेगा, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो. मैं हर एक टेस्ट सीरीज़ का लिंक वहाँ पर प्रोवाइड करती हूँ, भले ही मैं कंप्लीट करूँ ना करूँ, मैं तुम्हारे फेवरेट टीचर्स के, तुम्हारे स्ट्रैटिफाइड टीचर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ. तुम किससे कर सकते हो, तुम्हें किससे करना चाहिए, क्या वो अच्छा कराता है या नहीं, मैं सब कुछ बताती हूँ वहाँ पे, ठीक है? तो टेलीग्राम ज्वाइन करो, या तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा, ठीक है? मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी इस टेस्ट के बारे में मेंशन कर दिया था. तुम अच्छे से देखो यहाँ पे केमिस्ट्री में, देखो उन लोगों ने बहुत अच्छे से पहले देखो उन्होंने 11th का सबसे हार्ड चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, सब कुछ कराया. देखो यहाँ पे फिजिक्स का सिलेबस तो मैं देख के हक्का बक्का हो गई. जस्ट लुक एट द फिजिक्स सिलेबस, इतना सारा उन्होंने बस 9 घंटे में करवा दिया है. और जस्ट सी मोल कॉन्सेप्ट से लेके पीरियोडिक प्रॉपर्टी तक उन्होंने 11 घंटा लिया करवाने के लिए. कैन यू इमेजिन दैट? मैं नहीं कह रही हूँ तुम्हें कि तुम 11 घंटा लेके करो, बट तुम इन मैराथन से एक एक चैप्टर लेके तो कर सकते हो ना. एक एक चैप्टर अगर तुम एक एक दिन भी करते हो तो क्या तुम्हारा कंप्लीट नहीं होगा? एंड दीज चैप्टर्स आर प्रिटी वेल ऑर्गेनाइज्ड, है कि तुम करोगे तुम्हें याद रहेगा. और ये जो टीचर्स हैं ना, मैं मानती हूँ ये टीचर्स MR सर जैसे, आकांक्षा मैम जैसे, विपिन सर जैसे इतने फेमस तो नहीं है, इतना ज़्यादा तो ये लोग नहीं करवाते, पर दे आर प्रिटी गुड. लाइक अगर सब्स्टिट्यूशन क्लास के भी टीचर्स आ जाए तो कभी कभी उनसे समझ नहीं आता, पर ये जो सब्स्टिट्यूशन टीचर्स हैं ना, दे आर प्रिटी गुड. मैंने खुद वीडियो चला के, मैंने 2-3 pages का लेक्चर लेके फिर मैं तुम्हें बता रही हूँ. मैं ऐसे कोई बात नहीं बताती हूँ, मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देती हूँ खुद वेरीफाई करके, ठीक है? सो दीज टीचर्स आर लिट. लाइक ये भी बहुत अच्छा है, स्पेशली इनसे बॉटनी पढ़ो यार, मज़ा आएगा. बॉटनी में जिन लोगों को बोरिंग लगता है इनसे बॉटनी पढ़ो, मज़ा आएगा तुम्हें. सी ही इज़ कवरिंग द बिगेस्ट पार्ट, सेल साइकिल लिविंग वर्ल्ड, ठीक है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कर रहे हैं. देखो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फिर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, ये सब वो कंप्लीट कर रहे हैं. सो ये मैंने 11th के बारे में बताया. अगर ये सब अगर तुम्हारा हो गया तो तुम कंपटीशन वाला पे जाओ. कहाँ पे जाओ, कहाँ पे जाओ? कंपटीशन वाला पे. कंपटीशन वाला पे तुम्हें एक सीरीज़ मिलेगा. क्या सीरीज़? माइंड मैप सीरीज़. अगर तुम रेडी हो तो तुम कंपटीशन वाला पे माइंड मैप सीरीज से जाके अपनी चैप्टर्स रिविजन कर सकते हो, है ना? यू कैन रिवाइज योर चैप्टर्स. ओके, अब मैं 12th के बारे में बात करती हूँ. अगर तुम्हारा 12th में कुछ भी नहीं हुआ है, इफ़ यू आर स्टिल नॉट स्टार्टेड विथ योर 12th, तुम्हारा बोर्ड 3 महीने में है,
तीन महीने में नहीं पकड़ू तो दो महीने में है, और तुमने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ फॉर यू। ठीक है, पहले तो वो लोगों ने सबसे बड़ा यूनिट पकड़ लिया है बॉटनी में, तुम अच्छे से देखो, बॉटनी में उन लोगों ने सबसे बड़ा यूनिट लिया है जेनेटिक्स, उसके बाद उन्होंने बॉटनी में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लिया है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। क्या मैं कैमरा से निकल जा रही हूँ? आई एम वेरी सॉरी इफ दैट इज़ हैपनिंग, सॉरी सॉरी, मैं कैमरा से शायद से निकल जा रही हूँ, एक सेकेंड, या यस नाउ इट्स ओके। हाँ, और वो लोग देखो, जो पहला हम लोग का हाफ ईयरली का ऑलमोस्ट सिलेबस था फिजिक्स का, वो पूरा वो 9 घंटे में कवर कर रहे हैं। आई एम वेरी शॉर्ट, केमिस्ट्री में उन्होंने 10 घंटे का लेक्चर बनाया सिर्फ 2 चैप्टर्स के ऊपर, जो कि मुझे थोड़ा अजीब लगा, थोड़ा और चैप्टर्स बढ़ा सकते थे, पर कोई बात नहीं, अगर इन फिजिकल चैप्टर्स को भी 10 घंटा कोई वॉच करता है तो उसका ऑलमोस्ट नीट तो रेडी होगा ही होगा, बोर्ड्स में तो छक्का लगा देगा वो इंसान, है ना। और फिर देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सबसे बड़ा यूनिट, इस सबसे बड़े यूनिट को लेकर उन्होंने बात कर दिया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, इन सब को लेकर भी उसने बात कर दिया। ऑल्सो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें अच्छे से समझ में आए एंड तुम थोड़ा सा और टीचर्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो तुम मेरे चैनल पे भी आ सकते हो। मैंने ऑलरेडी डिटेल लेक्चर बना के रख दिया है, बट एज आई हैव सेड यू इन द लास्ट लेक्चर कि मुझे पता है कि तुम लोग अपने ट्रस्टेड टीचर्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो, तो मैं इसीलिए ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म का इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे रही हूँ। तो तुम लोग का जो नेक्स्ट AIDS है वो नवंबर में होने वाला है, एंड उससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करने वाली हूँ, दैट इज़ रिविजन। तुम्हारे AITS से पहले मैं तुम्हारी रिवीजन करवाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू डू योर रिवीजन जस्ट बिफोर द AITS। तो बिफोर AITS जो भी सिलेबस रहेगा मैं उसका तुम्हें रिवीजन करवा दूँगी। और एक कॉन्सेप्ट जो मेरे चैनल पे नया आने वाला है वो है 10 मिनट्स विथ मी। 10 मिनट्स विथ मी, यहाँ पे हम लोग सबसे हाई स्कोरिंग टॉपिक्स का 10 मिनट डिस्कशन करेंगे। क्या करेंगे? 10 मिनट डिस्कशन। बहुत मज़ा आने वाला है। आई थिंक ये तुम्हारा टाइम बचाने का सबसे आइडियल वे है, मेरा टाइम बचाने का, तुम्हारा टाइम बचाने का सबसे आइडियल वे है कि हम लोग 10 मिनट सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट जिससे सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग मार्क्स आने वाला है उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोगों ने 10 मिनट्स विद मी में पहला टॉपिक एक दिन ले लिया लैक ओपेरोन, ठीक है, मैं MBI की बात कर रही हूँ, MBI से सोचो मैंने एक दिन लैक ओपेरोन ले लिया, एक दिन चलो मैंने रिप्रोडक्शन से मैंने तुम्हारा क्या बोलूँ मेंसुरेशन साइकिल ले लिया, है ना, मेंसुरेशन साइकिल ले लिया। तो अगर हम लोग 10 मिनट करके भी ये टॉपिक्स फॉलो करते हैं तो क्या हमारे टॉपिक्स रेडी नहीं होंगे? ऑब्वियसली होंगे, टाइम बचेगा, टॉपिक रेडी होगा एंड हाई स्कोरिंग वाले टॉपिक रेडी होंगे, ठीक है। उसके साथ तो वन शॉट आते रहेंगे, वन शॉट थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेता है। माय लास्ट वन शॉट वाज बिट लेंदी, वो 1 घंटे का हो गया था, दो आई विल ट्राई कि 1 घंटे का ना हो, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि 1 घंटे का ना हो, दैट विल बी बेटर फॉर यू। तुम टाइम देख के फिर ही वन शॉट देख सकते हो, है ना, तो अगर ज़्यादा लंबा वन शॉट होगा तो तुम घबरा जाओगे कि यार इतना पढ़ा रही है, इतना पढ़ने का टाइम नहीं है, एग्ज़ाम के पहले वाले दिन हम देख रहे हैं, है ना, तो वो वाला पैनिक मुझे तुम्हें नहीं देना है। तो इसीलिए आई हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस सिस्टम एंड मुझे लगता है ये वाला आइडिया ना बहुत वर्क करने वाला है। एटलीस्ट जो लोग वीडियो देख रहे हो वो 10 मिनट्स विद मी ये मेरे चैनल पे आके ज़रूर देखना। आई विल बी पोस्टिंग, आई विल बी नोटिफाइंग यू कि मैं ये वीडियो दे रही हूँ एंड तुम इसे आके देखो। एंड जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मैंने पहले भी कहा कि मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करो यार, टेलीग्राम ज्वाइन करो जिसका तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। और क्या तुम चाहते हो कि इन वीडियोस का मैं डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक दे दूँ? तो मैं अवश्य तुमको लिंक दे दूँगी, मैं श्योरली तुमको लिंक देने वाली हूँ इन सब वीडियोस का टेलीग्राम पे। तुम्हें बस क्या करना है, तुम इन वीडियोस पे जाओ, इन वीडियोस को देखो, एक दिन में एक ही चैप्टर करो, 1 day 1 chapter करो, क्या करो, 1 day 1 chapter, ठीक है, 1 day 1 chapter करो, फिर भी तुम्हारा हो जाएगा कंप्लीट, है ना, तुम्हारा हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। हमने बैकलॉग के बारे में, हाउ टू फेस के बारे में भी बात कर लिया, हाउ टू प्रैक्टिस द लेफ्ट ओवर, यही बात है, और हाउ टू प्रिवेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो हाउ टू प्रैक्टिस द लेफ्ट ओवर, देखो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना एक बहुत बड़ी आर्ट है,
जो हमें करना है, है ना। और मैं मानती हूँ कि ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करके अपना दिमाग ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट एक दिन में, इन वन डे तुम फिजिक्स का उठा लो, चलो तुम फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट कर लो, तुम फिजिक्स का 10 न्यूमेरिकल्स कर लो, ठीक है, और तुम केमिस्ट्री का भी 10 न्यूमेरिकल्स कर लो, कितने 10। मैं बहुत ज़्यादा एस्टिमेशन लगा के बोल रही हूँ, अगर तुम किसी कोचिंग में पढ़ते हो, अगर तुम्हारे पास स्टडी मॉड्यूल है, तुम्हारे वहाँ पर 50 से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स रहेंगे नहीं। आई कैन गारंटी यू 50 से ज़्यादा न्यूमेरिकल एक लेवल पे नहीं रहेगा, ठीक है। तो इतने सारे अगर हम लोग प्रैक्टिस करें, अब सोचो अगर तुम्हारे पास लेवल 1 लेवल 2 है, जैसे कि मैं एक टाइम पे जिस कोचिंग में पढ़ती थी, मैं नाम नहीं ले सकती यहाँ पे, ओपनली मैं नाम नहीं ले सकती, पर मैं जिस कोचिंग में पढ़ती थी वहाँ पे मेरे न्यूमेरिकल्स के 2 पार्ट किए गए थे, एक है लेवल 1 जो ईजी पार्ट है और लेवल 2 जो हार्ड पार्ट है। अब हम लोग क्या करते थे, लेवल 1 में 50 क्वेश्चन रहते थे, लेवल 2 में भी 50 क्वेश्चन रहते थे, तो हम लोग क्या करते थे, लेवल 1 से एक दिन में 10 उठाते थे एंड लेवल 2 से भी एक दिन में हम लोग 10 उठाते थे, ठीक है। एंड दिस इज़ हाउ हम लोग 20-20 करके एक दिन में कर लेते थे, एंड 20-20 करके हम लोग एक दिन में कर लेते थे, तो हम लोगों ने 5 दिन में सारा न्यूमेरिकल्स एकदम निकाल दिया। शायद कभी कभी 46, 33, 55 ऐसे वैरी करता था हम लोगों का न्यूमेरिकल्स, बट ऐसा ही रहता था, ठीक है, इससे ज़्यादा कम होता नहीं है। जनरली हम लोगों ने सारा कोचिंग बुक्स देखा हुआ है, इससे ज़्यादा कम नहीं होता है, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट यू कि ऐसे तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो लेफ्ट ओवर को। पर मैंने जो कहा तुम्हें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बिना तो तुम नहीं कर सकते, तो एक ओथ रखो अपने अंदर कि करना है भाई, क्योंकि अगर आज मैं घर पे बैठ के कर लूँ तो कल मेरी तारीफ होगी। तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि MBBS में जाने के बाद कितना इज्जत मिलता है। कॉलेज की बात छोड़ दो, कॉलेज के प्रोफेसर इज्जत नहीं देंगे, पर एटलीस्ट हर एक टिल्ला पे तुम्हारी इज्जत रहेगी, आई कैन एश्योर दैट, ठीक है। मैंने खुद डॉक्टर्स देखे हैं मेरे सामने, माई होल फैमिली इज़ अ डॉक्टर फैमिली, तो मुझे पता है ये चीज़, है ना, आई नो दिस फीलिंग, ठीक है। ओके, तो इन सब के बारे में हमने बात कर लिया, एंड हाउ टू प्रिवेंट। देखो, बैकलॉग को प्रिवेंट करने का सबसे बड़ा मूल मंत्र डिसिप्लिन ही है। इसके लिए मुझे अलग से कुछ नहीं कहना, अगर हम लोग डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं तो हमारा बैकलॉग कंप्लीट होता रहेगा। अब इसके बारे में मैं क्यों ज़्यादा नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ और मेरे खुद के भी बैकलॉग्स होते हैं, एंड मैं मानती हूँ कि बैकलॉग्स होना कुछ ज़्यादा नॉर्मलिटी नहीं है, ठीक है। बैकलॉग शायद हो ही सकते, किसी के बैकलॉग्स हो जाते हैं, एंड आई फाइंड इट कम्प्लीटली नॉर्मल, ठीक है। तो हमने बैकलॉग्स के बारे में बात कर लिया, कहाँ से बैकलॉग कंप्लीट करने वाले हो उसके बारे में भी बात कर लिया, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो वॉज अ गुड वीडियो, तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लो, तुम्हें और भी अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। और हाँ, मेरा ये आइडिया जो मैं बहुत जल्दी लॉन्च करने वाली हूँ, ये प्लीज़ भी देखना मत भूलना, दैट इज़ 10 मिनट्स विथ मी। आई एम हाईलाइटिंग दिस, प्लीज़ इसे देखना बिल्कुल मत भूलना। 10 मिनट्स विथ मी, ये मैं सच में लॉन्च करने वाली हूँ। मेरे को बहुत अच्छा आइडिया आया एक दिन बैठ के कि चलो इसको लॉन्च करते हैं एंड देखते हैं कि स्टूडेंट कितना फॉलो करते हैं इसको, ठीक है। एंड मुझे लगता है ये स्टूडेंट के लिए टाइम सेविंग होगा एंड तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, इट विल बी अ वेरी स्टेबल आइडिया, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगती है स्लाइड बनाने में, इसलिए एक सब्सक्राइब तो प्लीज़ बनता है ना। वी आर हेडिंग मूविंग फॉरवर्ड एंड आई बिलीव दैट यू पीपल, वन डे यू पीपल विल बी श्योरली फॉलोइंग मी, वन डे यू पीपल विल बी श्योरली फॉलोइंग एंड थैंकिंग मी अलॉट, ठीक है। मैं जो भी स्ट्रैटेजी दे रही हूँ, मुझे पता है एक दिन मुझे इसके लिए ज़रूर शुक्रिया अदा मिलेगा, और मैं तुम्हारे बायो के हर प्रॉब्लम के लिए खड़ी हूँ, ठीक है। शायद मैं फिजिक्स केमिस्ट्री उतना अच्छा अपडेट ना दे पाऊँ, पर बायो के लिए मैं हमेशा अपडेट देती रहूँगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज ज़्यादा टाइम नहीं खाएंगे, ऑलरेडी बहुत टाइम खा लिया, ठीक है। सो वी आर एंडिंग द सेशन, बाय एवरीवन।